जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मंजू कपूर जी के बारे में। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इंडियन राइटर्स में मंजू कपूर जी का भी नाम है। तो मंजू कपूर जी का जो बर्थ है वो 1 जैन 1948 में हुआ था अमृतसर पंजाब में। ये एक पंजाबी नॉवलिस्ट हैं। ये इनके जो हस्बैंड का नाम है वो है गुण निधि डालमिया एंड सी इज प्रेजेंटली लिव्स इन न्यू दिल्ली। अगर हम इनकी बात करें इनके कैरियर की या फिर अभी जो क्या वर्क कर रही हैं, तो ये अभी जो है टीचर हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं एट मिरंडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एडुकेशन की बात करें तो इनकी जो एडुकेशन हुई थी वो कनाडा में हुई थी, और मींस इन्होंने कनाडा से मास्टर्स किया था, और इन्होंने अपनी जो एमफिल की डिग्री थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। इनके वर्क्स की बात करें तो जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, पहले मंजू कपूर जी के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अब की बार ये सिलेबस में लगा है मंजू कपूर जी, तो पहले आपने पढ़ा होगा इनके बारे में लेकिन इतना डीपली नहीं देखा होगा। तो अभी देख लीजिए कि इनके जो वर्क हैं वो इम्पोर्टेंट वर्क जरूर ध्यान में रखेंगे। डिफिकल्ट डॉटर्स है, अ मैरिड वुमन है और होम है, ये तीन तो जरूर ध्यान रखेंगे। इनका फर्स्ट नोवल डिफिकल्ट डॉटर, सेकंड अ मैरिड वुमन एंड थर्ड वन इज होम। दीज आर पब्लिश्ड इन डिफिकल्ट डॉटर्स इन 1998, अ मैरिड वुमन इन 2002 एंड होम इन 2006। इनके अलावा भी इनके जो वर्क जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो हैं द इमिग्रेंट पब्लिश्ड इन 2008, इसमें इसके ऊपर भी एक टीवी सीरियल बना हुआ है परदेश में है मेरा दिल नाम से, और कस्टडी है इस पे भी टीवी सीरियल बना हुआ है जो स्टार प्लस पे आता है, ये है मोहब्बतें ब्रदर्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2016। तो हम देखते हैं कि इनके जो कुछ वर्क्स हैं ये बहुत ही फेमस हुए हैं, इन पे टीवी सीरियल्स बने हुए हैं। जैसे कस्टडी तो इनका सबसे ज्यादा फेमस है, तो कस्टडी तो जरूर ध्यान में रखेंगे मंजू कपूर जी का कस्टडी। ये है मोहब्बतें जो स्टार प्लस पे आता है, और एक प्राणायाम से मलयालम टीवी शो भी आता है जो कस्टडी पे ही बेस्ड है। अगर हम इनके वर्क्स की अगर थोड़े से डीप में बात करें, अगर इनके कैरेक्टर्स की या किसके बारे में बताया हुआ है तो वो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिकल्ट डॉटर्स की बात करें तो डिफिकल्ट डॉटर्स में क्या है कि एक यंग वुमेन है जिसका नाम है वीरमती। तो इसमें क्या है कि कई बार प्रोटैगनिस्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो जो वीरमती है वो इनके जैसे कि मोस्टली जो वर्क्स में होता है ये इनकी जो लेडी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर प्रोटैगनिस्ट होती है वो स्ट्रगल करती है, वो एजुकेटेड होती है लेकिन वो अपने जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है वो चीजें बताई जाती हैं इनके नॉवेल्स में मोस्टली। और इसमें भी यही होता है कि वीरमती जो है वो अमृतसर में रह रही है, और मतलब उसके जो एक लव इंटरेस्ट है वो भी बताया गया है जो एक प्रोफेसर होते हैं, और वो अपनी फ्रीडम के लिए क्या कैसे कैसे वो करती है वो सब बताया जाता है। साथ ही साथ में कि जब एक औरत होती है वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए जब वो स्ट्रगल करती है तो किस तरीके से उनके जो फैमिली है या फिर सोसाइटी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो सारी चीजें इनके नॉवेल्स में होती हैं और ये डिफिकल्ट डॉटर्स में भी है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, इसकी प्रोटैगनिस्ट को ध्यान में रखेंगे। एक मैरिड वुमन जो इनका एक नोवेल है, जो इनका सेकंड नोवेल है सॉरी, तो ये भी एक जो है गर्ल आस्था, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो इसकी प्रोटैगनिस्ट आस्था होती है, ये भी एक लेडी है, ये अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और वर्किंग वुमन है ये दिल्ली से, और किस तरीके से इसके बारे में भी वही चीजें बताई हुई हैं कि किस तरीके से वो अपने उसकी जो स्टोरी होती है लव या फिर उसकी जो अटैचमेंट है और उसके बाद में किस तरीके से वो इन सब चीजों से बाहर आती है, तो वो सब कुछ बताया हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपने स्टोरियां देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर हम थर्ड वन की बात करें तो होम की जो इनका थर्ड है नोवेल है, इसमें जो स्टोरी है वो एक बिजनेसमैन की है। इसमें जो बिजनेसमैन है मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो है बनवारी लाल, मतलब वो उसकी ऊपर बेस स्टोरी है, उसकी फैमिली है और ये दिल्ली में रहते हैं कैरोल बाग में। इसमें क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब इसके साथ ही साथ में किस तरीके से जो
कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसमें किस तरीके की इमेज होती है वुमन की, उस तरीके की चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इनके जो जो आप सबसे ज्यादा याद रखेंगे तो इनका फर्स्ट नोवेल डिफिकल्ट डॉटर्स, कस्टडी और अ मैरिड वुमन, इन सब का नाम ध्यान में रखें। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि डिफिकल्ट डॉटर्स जो है वो तो काफी फेमस है, इनका जो फर्स्ट नोवेल है ये बेस्ट सेलर हुआ था इंडिया में, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स में आप देख सकते हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, जैसा कि मैंने बताया था कि इनका सबसे जो फर्स्ट नोवेल था वो काफी इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट डॉटर्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1998, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1999 में मिला है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो वही आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो नोवेल है उनके प्रोटैगनिस्ट कौन कौन है। डिफिकल्ट डॉटर्स में वीरमती है, अ मैरिड वुमेन में आस्था है, और होम में जो स्टोरी बताई गई है वो बनवारी लाल जी के बारे में है। तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं मे बी पूछ लिए जाएं, इसलिए आप ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये सब कुछ मंजू कपूर जी के बारे में है। इनके वर्क्स में जैसा कि मैंने मोस्टली बताया है कि एक्सपीरियंस वुमन के एक्सपीरियंसेस बताए गए होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, वो किस तरीके से वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरती हैं, इन सब चीजों के बारे में वो ज्यादा लिखती हैं। और इसमें भी जैसा कि वीरमती और आस्था जो होते हैं डिफिकल्ट डॉटर्स और ये मैरिड वुमन में, वो भी सेम थिंग से वो कम आउट करती हैं, किस तरीके से कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी को उन्होंने दिखाया जाता है उसके नॉवल्स, उनके नॉवल्स में, मंजू कपूर जी के नॉवेल्स में। तो वो आप सब देखेंगे, अगर आप इनकी स्टोरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब से देख सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशंस इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।